हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 15 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज का वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ एडिटर ऑफ द लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी इन असामीज असमिया साहित्य विधान व्हिच वॉज रिलीज रिसेंटली। तो इसका चीफ एडिटर का नाम बताना है, उनका नाम है डॉक्टर देवव्रत शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग इस वीडियो में असम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो असम का कैपिटल दिसपुर है, यहाँ का सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ का जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी। असम का बॉर्डर जो है दो इंटरनेशनल बॉर्डर है और छः जो है स्टेट बॉर्डर है। दो इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम याद रखना है, उसका नाम है बांग्लादेश और दूसरा का नाम है भूटान, ठीक है। और बाकी जो छः यहाँ पे स्टेट बॉर्डर है उसका भी नाम याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नेक्स्ट है नागालैंड, इसके बाद नेक्स्ट है मेघालय, नेक्स्ट है त्रिपुरा, इसके बाद नेक्स्ट है मिजोरम, ठीक है। यह सब बॉर्डर लगता है असम का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे नेशनल कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो नेशनल कंजर्वेशन डे कब मनाया गया, ये मनाया गया 14 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग दिसंबर महीना में जो भी इंपॉर्टेंट डेट पार हो चुका है उसको रिविजन कर लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड एड्स डे, इसी दिन नागालैंड स्टेट का 58th स्टेटहुड डे मनाया गया। 2 को मनाया गया असम दिवस, 2 को ही मनाया गया नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, 3 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, 4 को मनाया गया इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी का जो चीफ है उनका नाम है करमबीर सिंह, 5 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड सॉयल डे और इसी दिन को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, 6 दिसंबर को मनाया गया 64 महापरिनिर्वाण दिवस बी.आर. अम्बेडकर का, 7 दिसंबर को मनाया गया आर्म फोर्स फ्लैग डे, 7 को ही मनाया गया इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, 9 को मनाया गया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, 10 को मनाया गया वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, 11 को मनाया गया इंटरनेशनल माउंटेन डे, उसके बाद 12 को मनाया गया इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे और 12 दिसंबर को ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अनाउंस एन इंटरनेशनल प्राइज इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी इन द नेम ऑफ शेख मजीबुर रहमान, जो अनाउंस किया उसका नाम है यूनेस्को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, फ्रांस पेरिस में। इसका जो हेड है उनका नाम है ऑड्रे अजोले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी, उनका नाम है प्रमोद बोरो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे टोटल सीट जो है कितना सीट का इलेक्शन हुआ था, 40 सीट का, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इज टू बी सेट अप इन इंडिया, उस सिटी का नाम है अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन असम अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20, तो कितना परसेंट है, 31.9%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको ए कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन 2 है, इसका सही आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही रहेगा, थैंक यू सो मच।